हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। और आपको बता दें रसगुल्लो, आपको तीन ही सेंट्रल आइडिया तैयार करना है, इसके अलावा चौथा नहीं। वैसे पांच हैं अब की बार, लेकिन बच्चों आपको तीन ही देखना है। एक माई मदर एट 66 हमने करा दिया, दूसरा कीपिंग क्वाइट जो आज देखेंगे, और एक तीसरा देखेंगे ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ये तीन ही आपको देखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं देखना है, क्योंकि बहुत ज्यादा माइंड पर प्रेशर रखने से कोई मतलब नहीं। और ये फिक्स टॉपिक होते हैं, आपको चार नंबर बोर्ड एग्जाम में जरूर दिलाएंगे बच्चों। तो देखिए, क्योंकि भाई मतलब अतिरिक्त में कुछ भी दे सकता है ना, लेकिन ऑप्शन के तौर पर ये तीन तो जरूर ही रहेंगे, इसलिए इसके अलावा कुछ नहीं देखना, बस इतना याद रखना है। तो चलिए बहुत ही सिंपल तरीके से सीख लेते हैं कि सेंट्रल आइडिया कैसे लिखते हैं। आप बहुत जगह पर आप देख सकते हैं, बहुत सारी बुक्स में, क्वेश्चन बैंक में, लेकिन रसगुल्लों आपको पता होना चाहिए कि मोनू सर एकदम सिंपल लैंग्वेज में कोई भी चीज हो एक्सप्लेन अच्छी तरह से करते हैं, पोस्टमार्टम बढ़िया तरीके से करेंगे, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। सरल से सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो चलिए देख लेते हैं कैसे आपको लिखना है ताकि आपके पूरे नंबर मिल जाए। तो लिखेंगे बच्चों द पोयम कीपिंग क्वाइट। देखिए, कीपिंग क्वाइट का मतलब शांत रहना। ये कविता ही ऐसी है कि शांत रहने की भावना को बताती है कि भाई हमें कैसे शांत रहना चाहिए, ठीक ना, कैसे एक अच्छा जीवन जिया जाए, लाइफ में हमें क्या नहीं करना चाहिए, इन सारी बातों पर जिक्र किया गया एक बहुत ही सिंपल सी पोयम है, ठीक। तो वहां लिखेंगे कि द पोयम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पैब्लो नेरुदा, कि जो कीपिंग क्वाइट ये कविता है पैब्लो नेरुदा के द्वारा रचित है या इनके द्वारा संकलित है। आगे लिखेंगे इट इज अ वेरी सिंपल पोयम, ये बहुत ही साधारण कविता है, मैंने बताया ना ये क्या है, बहुत ही साधारण कविता है। आगे लिखेंगे कि पोएट सेज, कवि कहता है दैट टुडे आवर लाइफ इज हेस्टी, कि आज हमारा जीवन जो है वो बहुत ही ज्यादा भाग दौड़ भरा हुआ है, यानी भाग दौड़ से भरा हुआ है आज हमारा जीवन, ठीक। वही चीज कह रहा है कि पोएट सेज, कवि कहता है दैट आवर लाइफ, मतलब टुडे आवर लाइफ इज हेस्टी, कि हेस्टी का मतलब होता है बहुत ज्यादा बिजी, यानी भाग दौड़ से भरा हुआ। तो वही कह रहा है कि कवि कहता है कि आज हमारा जीवन भाग दौड़ से भरा हुआ है, एंड विदाउट डायरेक्शन, और बिना दिशा के है, यानी कोई दिशा नहीं, जहां मतलब जैसे भेड़ बकरियां होती है ना, कि बिना किसी उद्देश्य के, बिना डायरेक्शन के इधर उधर भाग रहे हैं, कोई मतलब नहीं क्या करना है। क्योंकि बच्चों आपको पता होना चाहिए भाई, जब तक लाइफ सेटल ना हो जाए, जिंदगी एकदम, कहते हैं ना देहाती लैंग्वेज में बोलते हैं कि जिंदगी एकदम झंड है, वही सीन होता है, जब तक आप कुछ अचीव नहीं कर लेते लाइफ एकदम से बेकार है, समझिए, ठीक। इसलिए मेहनत करिए रसगुल्लो, मेहनत से पीछे मत भागिए, एग्जाम में फोड़ना है ताकि आप लाइफ में कुछ अचीव कर सकें, ठीक। तो वही चीज कह रहा है कि भाई कभी कहता है कि आज हमारा जीवन जो है वो भाग दौड़ से भरा हुआ है, और हम बिना डायरेक्शन के, बिना दिशा के, यानी दिशा हीनों कर इधर उधर से भाग रहे हैं, ठीक। आगे लिखेंगे द पॉइंट सेस, कवि कहता है अस हमको टू स्टॉप, माने रोकने के लिए, वार्स ने युद्ध को, भाई जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, युद्ध, हेट, नफरत को यानी घृणा को, पॉल्यूशन, प्रदूषण को, किलिंग एनिमल्स, जानवरों की हत्या, एंड हंटिंग आवर सेल्फ्स, और स्वयं को प्रताड़ित करना, यानी कवि क्या करता है, कवि हमें कह रहा है कि कवि हमें, यहां पे ध्यान, कभी हमें, हाँ, युद्ध, देखिए कभी हमें रोकने के लिए कहता है क्या क्या, युद्ध को, नफरत, प्रदूषण, जानवरों की हत्या, और स्वयं को प्रताड़ित, मतलब स्वयं को प्रताड़ित करने के लिए क्या करता है, रोकता है, ठीक है ना, यानी हमें कह रहा है कि भाई ये सारी चीजें आप बंद कर दो, ठीक, इन सब चीजों को क्या कर दो, रोक दो, बंद कर दो। आगे लिखेंगे बच्चों, कह रहा है कि ही सेज, ठीक, He says, यानी वह कहता है, कौन कहता है, कवि कहता है that we don't understand the purpose of life, वह कहता है कि हमें क्या है, जीवन का कोई उद्देश्य पता ही नहीं है। ये बात सच है बच्चों कि आज हम इतने ज्यादा बिजी हो चुके हैं कि हमें लाइफ का मेन पर्पस क्या है हमें खुद ही नहीं मालूम। वही चीज कह रहा है कि he says, वह कहता है that we don't understand, कि हम ये समझ ही नहीं पाते हैं the purpose of life, कि जीवन का उद्देश्य क्या है, कि हमें ये नहीं पता कि जीवन का क्या उद्देश्य है,
आगे लिखेंगे पोएट सेज कवि कहता है दैट कि एनी प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड बाय द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। कह रहा है कि कवि कहता है एनी प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व कि कोई भी समस्या हो वो क्या उसका समस्या का हल हो सकता है बाय द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आत्म संरक्षण या आत्मनिरीक्षण के द्वारा। कवि कहता है कि कोई भी समस्या हो उसका हल है यानी किसी भी समस्या का हल आत्मनिरीक्षण के द्वारा हो सकता है। आगे लिखेंगे देन वी कैन रिज्यूम आवर एक्टिविटीज इन द राइट डायरेक्शन, तभी हम अपनी क्रियाकलाप को सही दिशा में आगे ले जा सकते हैं। ठीक ना भाई, जब जान लेंगे ना कि जीवन का क्या पर्पस है तभी हम अपने एक्टिविटीज यानी क्रियाकलाप को सही डायरेक्शन में ले जाएंगे। वही कह रहा है कि देन वी कैन रिज्यूम यानी तब हम ले जा सकते हैं आवर एक्टिविटीज हमारी क्रिया यानी अपनी क्रियाकलाप को इन द राइट डायरेक्शन सही दिशा में। तो है ना मजेदार, बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा कठिन वर्ड्स का इस्तेमाल हमने नहीं किया है ताकि बहुत ज्यादा वीक रसगुल्ले भी ना इसको इजिली तैयार कर सकें। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। और हाँ, वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, नहीं कंजूसी करते हो काहे का, खैर आपकी मर्जी। मिलते हैं किसी और मजेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।